अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हेयर वी हैव इंग्लिश प्रेसिंग एंड कंपोजिशन एग्ज़ाम ऑफ ईयर 2005। प्रीवियसली हम लोग ईयर 2004 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। इस सीरीज़ में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो पेपर का बाकी तर हिस्सा होता है, करेक्शंस हैं, प्रपोजिशंस हैं, और इसके अलावा भी जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है उसके लिए हम लोग अलग से सीरीज़ बनाएंगे और उसमें वो तमाम तर चीज़ें डिस्कस करेंगे। 2004 के पेपर की तरह इस पेपर में भी हम लोग पहले सिनोनिम्स और फिर एंटोनिम्स जो है वो डिस्कस करेंगे, जो CSS के ईयर 2005 में पूछे जा चुके हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पहला सवाल था जी, चूज़ द मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग। ठीक है, वर्ड था एनाथेमा। एनाथेमा का मतलब होता है बहुत ही नापसंदीदा, समथिंग दैट इज़ बैंड और कर्स्ड, और जो हिंड्रेंस क्रिएट करे और जो कि बहुत नापसंदीदा हो। ठीक है, तो इसका सिनोनिम जो बनता है इसमें वो है जी कर्स। ठीक है, कर्स, लानत या नापसंदीदा। नेक्स्ट वन इज़ टॉरपर। टॉरपर मीन्स इनएक्टिव, समथिंग दैट लैक्स इमोशंस। ठीक है, लेजीनेस। और इसका सिनोनिम जो है, आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस है फीवर, लेथार्जी और टेसिटर्न। ठीक है, तो हम लोग मोस्टली वर्ड आम तौर पर लेजीनेस के लिए जो थोड़ा सा मज़े का वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है लेथार्जी। ठीक है, लेथार्जिक हूँ मैं, लेजी हूँ, लेथार्जी होना, स्लगिशनेस कह लें, एपथी कह लें, लैक ऑफ इमोशंस कह लें, या समथिंग लाइक वेरी लेजी और बहुत ही स्लगिश टाइप। ठीक है, तो टॉरपर का जो सिनोनिम है दैट इज़ लेथार्जी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जी टचस्टोन। ठीक है, टचस्टोन, टचस्टोन इज़ बेसिकली अ स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन एंड इवेलुएशन। ठीक है, और इसी तरह इसका जो मोस्ट नियरली जो सिमिलर वर्ड है दैट इज़ क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरियन इज़ आल्सो अ स्टैंडर्ड टेस्ट बाय विच द इंडिविजुअल और द थिंग्स और द पीपल मे बी कंपेयर्ड और दे कैन बी जज्ड। ठीक है, कंपेरिजन करके उनको देखा जा सकता है, दैट इज़ क्राइटेरियन। ठीक है, तो टचस्टोन का जो सिनोनिम हुआ वो है क्राइटेरियन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सिक्वेस्टर। सिक्वेस्टर, सिक्वेस्टर का मतलब होता है सेपरेट करना, सिक्लूड करना, अलग अलग कर देना। ठीक है, और इसी तरह आइसोलेट का भी मतलब यही है। आइसोलेट का मतलब टू सेट अपार्ट, टू कट ऑफ, टू अलग कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिनोमेंट। ठीक है, डिनोमेंट, डिनोमेंट का हम लोगों ने सिनोनिम बताना था, तो इसका सिनोनिम है जी, इसका मतलब होता है कंक्लूड करना, रेजोल्यूशन। ठीक है, किसी चीज़ को मतलब फाइनल कर देना, फाइनलाइज कर देना, तो कंक्लूजन यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इज़ द मोस्ट सिमिलर वर्ड टू द डिनोमेंट। और इसका भी मतलब होता है फिनिश करना, क्लोज करना, एंड कर देना, ख़त्म कर देना, मसले का हल निकाल लेना, मतलब कंप्लीट कंक्लूजन कर लेना। ठीक है, अगला वर्ड है जी डिलीट्रियस। ठीक है, और डिलीट्रियस का यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड पूछा गया है, इसका एंटोनिम पूछा गया है। डिलीट्रियस का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव, समथिंग दैट इज़ हार्मफुल। अब इसका ऑपोजिट हमने बताना था, तो इसका ऑपोजिट जाहिर सी बात है वो चीज़ होगी जो कि फ़ायदा दे। एक चीज़ जो नुकसान पहुँचा रही है उसके ऑपोजिट में दूसरी चीज़ जो फ़ायदा दे रही है, तो बेनिफिशियल का मतलब होता है हेल्पफुल, गुड, फ़ायदा देने वाली चीज़। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए, बेनिफिशियल। द नेक्स्ट वर्ड इज़ वेलिडिक्टरी। ठीक है, वेलिडिक्टरी, वेलिडिक्टरी का मतलब होता है इख्तितामिया अल्फाज, जो कि एंड फ्रेज होता है, लास्ट में बोले जाते हैं, किसी स्पीच के आखिर में कह लें या किसी डिस्कशन के आखिर में, जिसमें जो वर्ड्स बोलकर बात ख़त्म की जाती है, दैट आर वेलिडिक्टरी। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा जाहिर सी बात है जिससे बात शुरू की जा रही हो। ठीक है, एक इख्तितामिया और एक शुरुआती। ठीक है, तो जो फर्स्टली चीज़ होगी, जो अर्ली चीज़ होगी, जो बिगनिंग वाली होगी, जो इनिशियल चीज़ होगी, वो इसका ऑपोजिट होगा। ठीक है, वेलिडिक्टरी, और ऑपोजिट इसका हुआ इनिशियल, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज़ सेडेंटरी। सेडेंटरी, सेडेंटरी का मतलब होता है इनएक्टिव, इमोबाइल, जो कि मूव ना कर रहा हो, लेजी, स्लगिश, डोरमेंट, आप इसके लिए कोई भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका टोटली ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? एक्टिव होगा। ठीक है, जो कि फिजिकल मूवमेंट बहुत क्विक हो, ठीक है, अपने एक्शंस में बहुत क्विक हो, एक्टिव हो, स्मार्ट हो। ठीक है, तो सेडेंटरी का ऑपोजिट वर्ड होगा एक्टिव।
आप बाकी वर्ड से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ्रेड तो नहीं हो सकता, लॉयल तो नहीं हो सकता, टॉर्पिड नहीं हो सकता। सेडेंट्री का ऑपोजिट होगा एक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी फ्लगमैटिक, फ्लगमैटिक, ठीक है। फ्लगमैटिक होता है ज़रा कोल्ड ब्लडेड कह लें, कॉम, कूल, म्यूकस टाइप, ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें। और इसके जो ऑपोजिट वर्ड होगा दैट इज़ ग्लोइंग, ठीक है, एक्साइटेबल, चमकदार, अच्छा। तो ये तमाम तर जो है वर्ड्स इसके लिए इस्तेमाल हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वर्ड है इस पेपर का दैट इज़ टर्बिड। टर्बिड का मतलब होता है अनक्लियर, क्लाउडी, समथिंग दैट इज़ स्मोकी, मिस्टी। तो जो एक ब्लर चीज़ हो दैट इज़ टर्बिड, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, उसका एंटोनिम क्या होगा हमारे पास, क्लियर, जो कि विजिबल हो, साफ़ सुथरा हो, नज़र आ रहा हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कह लें या क्लियर कह लें, तो ये इसका एंटोनिम होगा, ऑपोजिट होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा हम लोग इंशाल्लाह इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे ताकि हमारे 2022 के एंड तक, पिछले एग्ज़ाम से लेके 2022 तक के पेपर जो है वो कंटिन्यूसली हम लोग उनको प्रिपेयर कर लें। और नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि इस तरह का पेपर आ सकता है और इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, हमारे इल्म में भी इंशाल्लाह इजाफ़ा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।